दिल्ली के इंडिया गेट पर 2 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इसमें बिजली कंपनी ने सोयाबीन से बने पकवानों को परोसा, जिसका लोगों ने जमकर लुफ्त उठाया। बिजली के डायरेक्टर अमित बजाज ने बताया, सोयाबीन के शौकीनों के लिए अलग अलग पकवान लेकर आए, जिसमें सोयाबीन चाप, सीख कबाब, सोया शामी कबाब जैसे पकवानों को शामिल किया गया। इसके साथ ही फूड फेस्टिवल में आए लोगों में इन पकवानों को लेकर खासा उत्साह देखा गया। अगर हम बात करें पकवानों की, तो यहाँ के पकवानों की लोगों ने सराहना की, खासतौर पर बिजली कंपनी के पकवानों का जमकर लुत्फ उठाया। This is very good product. When I eat it, I feel it's like real chicken and real mutton, lamb. So I didn't feel this is a veggie food. It is very nice, tasty, very good product. Vegli, Vegli कुछ इस तरीके की यूनिक आइटम लेकर के आई है। जो व्यक्ति नॉन वेज नहीं खाता और वेज खाने का शौकीन है, तो आपको बिल्कुल आभास होगा जिस तरीके से आप नॉन वेज ले रहे हैं। हमारे साथ हैं बजाज साहब। सर, किस तरीके से शुरुआत की और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट? देखिए, इस पर काफ़ी R&D करने के बाद, अब्रॉड में काफ़ी R&D की है, उसके बाद ये बाहर से हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और एक ये यूनिक सारी वैरायटी है हमारे पास। और एक इसमें सल्टन एक ऐसी वैरायटी है जो नॉनवेज का सब्स्टिट्यूट है। और एक सल्टन है, इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि नॉनवेज आप कम कर दीजिए, तो उस समय आप वेजले को याद कर सकते हैं, क्योंकि वेजले के पास काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी है जो नॉनवेज के जायका मिलता जुलता है काफ़ी हद तक। वो अपनी मतलब जो जायका है वो अपना मज़ा ले सकता है उसके अंदर, नॉनवेज जैसा। और इसके अंदर जैसे हमने हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारी पहले लॉन्च की, जैसे शवारमा है, शवारमा आप तक नॉनवेज के अंदर देखा होगा या पनीर शवारमा देखा होगा। तो सोयाबीन के अंदर जो नॉनवेज, जो नॉनवेज जैसे टेक्चर के अंदर हमारी पहली कंपनी है जो शवारमा लेके आई है, वेज चिकन लेके आई है, जो दिखने में बिल्कुल चिकन जैसा है, खाने में चिकन जैसा है वेजिटेरियन, ये भी लेके आई है। और बच्चों को भी नहीं भूले हम, जो उसमें सोया के नूडल लेके आए हैं, जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बच्चे हैं नूडल बहुत पसंद करते हैं, पेरेंट्स के पास होता वो होते हैं। हमारे पास, हमारी हिंदुस्तान में पहली कंपनी इसमें सोया के नूडल लेके आई है। मैदा फ्री नूडल है, आटा फ्री नूडल है, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, लो फैट है, ईजी टू डाइजेस्ट है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है। ये सारे बेनिफिट आप जनरली हमारे काफ़ी इस प्रोडक्ट के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि जनरली ये बेनिफिट सोयाबीन में पाए जाते हैं। हाँ, ये पूरे पंजाब में, हिमाचल में, वैसे तो हम पूरी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। किसी रेस्टोरेंट वाली इसी इंक्वायरी आ जाती है, डायरेक्ट हम रेस्टोरेंट को देते हैं, पर हमारी ये नॉर्थ साइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है, वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट भी किया है हमने USA वगैरह के अंदर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो जायका मिल रहा है, वो टेक्स्चर मिल रहा है, वो फ्लेवर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसमें जो सोयाबीन है उसके काफ़ी बेनिफिट है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, जो कि बच्चों के लिए बढ़िया होता है, स्पोर्ट्स लोगों के लिए बढ़िया होता है, यंग जनरेशन के लिए बढ़िया होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके के जो फूड फेस्टिवल लग रहे हैं, इस तरीके के फूड फेस्टिवल आपको लगता है कि होने चाहिए साल में, क्योंकि सारी कंपनीज एक प्लेटफॉर्म पर होती हैं? वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हम काफ़ी लोगों को यहाँ पर डेमो करा सकते हैं, टेस्टिंग करा सकते हैं। जितने भी बायर हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, फ़ौरन से भी बायर आए, अभी मेरे पास USA से भी बायर आए हुए थे, और भी तो जितने एक मिडिल ईस्ट से भी आए हुए थे, तो मतलब जो इंक्वायरियाँ मिलती हैं हमें वो देखते हैं यहाँ पे। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म।